सेलम। सेलम गए आपको जो के डिलीवरी कैसे आपका? जी मैम। अच्छा कितना टाइम है आपको? जी ये पूरा हो गया है। पूरा हो गया है। कोई आपको हॉस्पिटल से कोई ये तो हॉस्पिटल गए थे आपको कोई सहूलत भी दी उन्होंने जाने के लिए? नहीं। अब कहाँ जा रहे हो आप लोग? अड़ोला हॉस्पिटल। अड़ोला हॉस्पिटल। अड़ोला हॉस्पिटल जा रहे हो? क्या कराने जा रहे हो? जी 1800। 1800 तो पैदल ही जा रहे हो? जी। तो अगर रास्ते में आपको दिक्कत आ जाए तो कौन जिम्मेवार है? विजय मौर्य। विजय मौर्य आपकी घरवाली के बच्चा होने वाला डिलीवरी केस है। हाँ। आप पैदल जा रहे हो? हाँ। क्या हॉस्पिटल से कोई आपको सहूलत नहीं मिली? नहीं मैडम जी से पूछा भी आप कोई एम्बुलेंस जाएंगे? बोले भाई हम उसका सुविधा नहीं बता सकता हूँ। तो बोले चाहे जैसे जाओ। बोले चाहे जैसे जाओ एम्बुलेंस मैडम जी कोई साधन ही नहीं। घरवाली का पूरा टाइम है अगर इसको रास्ते में दिक्कत आ जाए कौन जिम्मेदार है? मैडम जी को कहना है अल्ट्रासाउंड देखेंगे क्योंकि जो आगे लड़के को दिखाया हूँ उनमें सर में पानी है। लड़के के सर में पानी है उसका सर भारी है सांस लेने में दिक्कत है तो दो अल्ट्रासाउंड कराया हूँ। ये तीसरा बोले उसको देख के तभी इलाज कर पाएंगे। तो पैदल ही जा रहे हो? हाँ जी। तो कोई मदद नहीं दी हॉस्पिटल वालों ने? नहीं। तो क्या सरकार को क्या कहना चाहते हो आप? साधन नहीं कोई हम लोग वहाँ तक पहुँचे। अगर रास्ते में भैया कोई नुकसान हो जाए कौन जिम्मेवार है इसका? अब किसको बताएं साहब? अब एसआई वाले तो कोई साधन ही नहीं है। बाकी गाड़ी मोटर चल ही नहीं रहा कैसे जाएंगे? जहाँ तक जाएंगे पैदल ले जाएंगे।